यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप जानते हैं, चाहे आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के परीक्षार्थी हैं, तो आपका हिंदी और इंग्लिश का जो बुक है वो बिल्कुल सेम बुक और सेम सिलेबस आपको पढ़ना होता है। तो आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में आर्ट, साइंस, कॉमर्स आप किसी भी स्ट्रीम के छात्र छात्राएं हैं, तो आपके हिंदी का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, के साथ साथ हिंदी में हम लोग क्या पढ़ने, क्योंकि हिंदी भी आपका 100 मार्क्स का है, चाहे आप साइंस में मैथ लिए वो भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 ही मार्क्स का है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। तो हिंदी में हम लोग क्या पढ़ने जिससे आसानी से 90+ 95+, क्योंकि कम देर समय देकर भी हम लोग इतना स्कोर आसानी से कर पाए, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और कौन कौन सा बुक आपको बचे हुए समय में फॉलो करना है, और इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां से आपको मिलेगा, हिंदी के सभी चैप्टर वाइज इन तमाम बिंदुओं पे अभी के इस वीडियो में समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके हिंदी की तैयारी की संपूर्ण रणनीति की हम लोग चर्चा करेंगे, बुक लिस्ट वगैरह से लेकर एग्जाम पैटर, अर्थात कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इतना आएगा तो हमको अपने को क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक से इस साल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को आइए समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें कि किस रूप में इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के हिंदी का प्रश्न पत्र आएगा, तो यहां पे आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का प्रश्न पत्र इसी रूप में आपका हिंदी का तैयार किया जाएगा। यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, मतलब इसमें कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न का प्रारूप बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ये सेट कोड वगैरह है, 10 सेट में प्रश्न आता है। यहाँ पे आगे आप एग्जाम में जाएंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा कि किस खंड में कितना प्रश्न है, UMRC ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना है, कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है। इस पर हम लोग ज्यादा भी मैं समय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ हिंदी की तैयारी कैसे करना है इस पर इस वीडियो में फोकस है। ये इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके क्या मायने हैं, जो हम लोग कैसे आप इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में कॉपी लिखेंगे, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, उस समय हम लोग समझ लेंगे। आइए आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रश्न पे, जब इंस्ट्रक्शन पढ़ के एग्जाम में आप देखेंगे प्रश्न पत्र आपको मिलेगा कुछ इस रूप में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 तक, और 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, इसमें से 50 प्रश्न का उत्तर दीजिए UMR सीट पे, ठीक है, UMR सीट पे 50 प्रश्न का उत्तर देना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें क्या होता है कि अच्छा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो अगर आप याद करके है तो 100 रहेगा, समझिए कितना आपके लिए प्रश्न पत्र आसान कर दिया बिहार बोर्ड की। 100 पूछा जाएगा, उसमें से कोई 50 प्रश्न जो आपको आता होगा उसको बनाना है और बाकी प्रश्न छोड़ देना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि 100 प्रश्न क्या क्या रहेगा, तो कुछ प्रश्न आपके बुक से रहेगा, जो हिंदी का बुक है उससे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, और कुछ प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण खंड से रहेगा, ठीक है, हिंदी व्याकरण खंड से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि सर क्या पढ़ने जिससे कि हमारा एग्जाम में जाए तो 100 में से 50 प्रश्न हमारा पढ़ा हुआ ही रहे, तो सबसे पहले जो आपका हिंदी का दिगंत भाग 2 पुस्तिका है उसको 4 से 5 बार पढ़ जाइएगा, और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो कलेक्शन होता है उसमें जो प्रश्न है हिंदी का 2009 से लेकर कम से कम 2024 तक जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उतना आपको याद कर जाना है। और व्याकरण में तो हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से सीधे हर एक साल प्रश्न पूछे जाते रहे, और इस साल भी इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न आएंगे, मैं पूरा टॉपिक आगे आपको मैं लिखा दे रहा हूँ, उस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। तो हिंदी में तो ऑब्जेक्टिव में आपने समझा कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न मिलेगा, 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा, इसके लिए कहाँ से प्रश्न आएगा तो बुक से प्रश्न आएंगे और हिंदी व्याकरण से। बुक से कितना प्रश्न पूछा जाता है तो हर एक साल का ऑन एवरेज मैं यहां पे आपके लिए बता दूं तो एक एवरेज लेकर चले तो 50 से 55 प्रश्न हर एक साल पाठ्य पुस्तक से पूछे जाते हैं और 45 से 50 प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं, ठीक है, अर्थात कि कभी मान लीजिए 55 प्रश्न आ गया तो 45 रहेगा व्याकरण से, 50 प्रश्न आ गया तो 50 रहेगा बुक से, मतलब इसी के ऑन एवरेज हर एक साल का हम लोग निकाले हैं डाटा, तो इतना ही प्रश्न व्याकरण से और आपके बुक खंड से आता है। अब यहां पर क्या क्लियर हो गया कि अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए अच्छा से बुक का ही अध्ययन कर लेता है तो 100 में से जो 50 प्रश्न बनाना है मान लीजिए 45 भी आया तो 45 बना देगा, और 5 तो काफी आसान आसान प्रश्न रहते हैं कि कौन सा समास है जो आप 10th तक पढ़े होंगे, अर्थात कि अगर आप सिर्फ बुक पे फोकस है तभी आप ऑब्जेक्टिव में 50 स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपको आइडिया चल गया कि कितना प्रश्न व्याकरण खंड से रहेगा और कितना प्रश्न आपके बुक खंड से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा,
अब जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो आगे सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत होगा। सब्जेक्टिव प्रश्न में आपके सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, जैसे ही एक नंबर पे आप जाइएगा तो 8 मार्क्स का ये प्रश्न रहेगा, और इसमें पूछा जाएगा कि निबंध, यहाँ पे कुछ टॉपिक रहेगा 5-6 टॉपिक, और कहेगा इसमें से किसी भी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध का मतलब लेख, जो शुरू से आप लिखते हैं, जैसे भ्रष्टाचार पे पूछ दे, स्वतंत्रता दिवस पे पूछ दे, किसी भी एक टॉपिक पे देगा 5-6 टॉपिक, इसमें से एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा। तो यहां से आपको ग्रामर में देखिए, यहां पर मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने को बस टू द पॉइंट पढ़ना है हिंदी में, ठीक है। हिंदी में ज्यादा समय भी नहीं देना, ताकि क्योंकि और सभी सब्जेक्ट है आपके पास, उस पे भी बराबर आपको समय देने की आवश्यकता है। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जहां से प्रश्न आए, तो बस हिंदी व्याकरण में नहीं कि पूरा व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, बस अपने को बस सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, एक निबंध लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है। अगर प्रीवियस ईयर पूछा गया ही निबंध का प्रैक्टिस करके जाते हैं, एक दो बार निबंध को पढ़ते हैं, सप्ताह में एक दो बार एक निबंध लिखते हैं, तो आसानी से 8 में 8 अंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्लियर हो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, निबंध लिखना पड़ेगा पहले नंबर प्रश्न पे। कुछ टॉपिक रहेगा, एक बिंदु पे निबंध लिखना होगा, इसके लिए आपको 8 अंक दिया जाएगा। फिर यह प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपसे देखिए दूसरे नंबर पे मिलेगा सप्रसंग व्याख्या। इसमें कहेगा कि 2 अवतरण का व्याख्या करें, 2-2 मार्क्स का रहेगा 8 अंक। अब इसमें व्याख्या में क्या रहता है कि इसमें देखिए 4 प्रश्न रहेगा, 1, 2 इस तरह, 3 और फिर यहां पे 4। इसमें से 2 जो रहेगा वो आपके पद खंड से प्रश्न रहेगा, और 2 जो रहेगा वो आपके गद खंड से प्रश्न रहेगा, मतलब 2 कहानी वाले से प्रश्न रहेगा और 2 कविता वाले से। तो बीच से कहानी का कोई भी वाक्य उठाकर लिख देगा, किसी भी कहानी का कोई भी वाक्य लिख देगा। जैसे मान लीजिए बातचीत चैप्टर से ही कोई लिख दिया वाक्य, तो आपको पहले पता करना होगा, पहचानना पड़ेगा पढ़कर कि इस आपके पाठ्य पुस्तक के किस चैप्टर से लिया गया है। फिर आपको सप्रसंग व्याख्या में क्या होता है, लिखना पड़ेगा कि ये आपका जो ये लाइन है, ये वाक्य है, ये आपके इस पुस्तक दिगंत भाग 2 के इस पाठ से लिया गया, इसके लेखक ये हैं, और लेखक किस प्रसंग में उस बात को कह रहे हैं। देखिए सप्रसंग व्याख्या, कि जो वाक्य दिया गया किस प्रसंग में कहानी में आया है, उसका पूरा व्याख्या कर दीजिए। तो इसमें से 2 रहेगा आपके गद खंड से, 2 पद खंड से, कोई भी बना सकते हैं 2, ये नहीं कि एक गदखंड से एक पदखंड से बना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मन करे तो दोनों पदखंड का बना दीजिए, मन करे तो दोनों गदखंड का, मन करे तो एक गदखंड एक पदखंड, जो आपको समझ में आ रहा है। कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि चारों में पढ़ के पता करना होता है कि किस कविता से है, किस कहानी से, फिर आपको बताना होता है, शुरुआत उसी से करना होता है। जैसे कविता का ही पंक्ति है तो प्रस्तुत पंक्ति आपके पाठ्य पुस्तिका के इस कविता से लिया गया, जिसके कवि ए है, और उसका क्या भावार्थ है वो आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले पे आपको लेख मिलेगा, मात्र 6 टाइप के प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में अभ्यास करके जाना है। दूसरे पे सप्रसंग व्याख्या, जिसमें से 2 का उत्तर लिखना होगा, और ये 8 मार्क्स का होगा, 1 4 मार्क्स का होता है। फिर आगे आप दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो पत्र लेखन आपको मिलेगा, ठीक है, पत्र लिखना होगा, और पत्र में भी 2 ऑप्शन रहेगा, एक शुरू में रहेगा और दूसरा 8वां में रहेगा, दोनों में से किसी एक पर लिखिए 5 मार्क्स। आप पत्र लेखन समझ रहे हैं, जैसे आवेदन पत्र हो गया, या सफाई के लिए कहीं पे पत्र लिख, या माता के पास पत्र, पिता के पास पत्र, इसी टाइप का पत्र आपसे पूछा जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में से एक एक रहेगा, किसी एक पे आपको पत्र लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आपका इस तरह आप तीसरे नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। चौथे नंबर पे आप पहुंचेंगे, आपसे प्रश्न उत्तर मिलेगा बुक से, ठीक है। इसमें 10 प्रश्न रहेगा, पूछा जाए कहा बोला जाएगा कि 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए, और ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स करेंगे, सीधे आपके बुक से रहेंगे, अर्थात कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जो भी कहानी कविता पढ़ रहे हैं, उसी से प्रश्न रहेगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 नंबर पे क्या मिलेगा, निम्नलिखित प्रश्न में से किन 3 का उत्तर देने के लिए बोलेगा, ये भी आपके बुक से रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से क्या, इसमें देखिए 5-5 मार्क्स का प्रश्न है, इसमें आपका जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके बुक में वो प्रश्न रहते हैं, उसके साथ साथ सारांश वगैरह पूछ सकता है, कि रोज कहानी का सारांश लिखे, बातचीत कहानी का सारांश, किसी कविता का सारांश पूछ देगा, तो इसमें वो प्रश्न पूछा जाता है। फिर 6ठे नंबर पे आपको कहेगा कि संक्षेपण एक पूछेगा, 2 अवतरण, मतलब 2 कुछ कुछ लिख देगा, कहानी टाइप का, गद्यांश टाइप का, पैसेज टाइप का, और कहेगा उसका संक्षेपण, उसको संक्षिप्त कीजिए, और इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, 2 में से कोई 1। अब सब्जेक्टिव में आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्टिव में बस आपको क्या पूछेगा, सबसे पहले लेख आपको लिखना सीख लेना है, उस सप्रसंग व्याख्या बुक से पूछा जाएगा, 4 रहेगा, 2 का उत्तर देना है। फिर तीसरे टाइप में आपसे पत्र पूछेगा, 4ठे टाइप में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 5 का उत्तर देना होगा, जो बुक से रहेगा डायरेक्ट। फिर आपके 5वें टाइप में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी बुक से रहेगा, उसमें 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा, और 6ठे में आपको संक्षेपण पूछा जाएगा। तो मात्र 6 टाइप का प्रश्न अगर आप अभ्यास करके जाते हैं तो हिंदी में आपका सब्जेक्टिव 50 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अब कैसे 50 में 50 लाना है, चलिए मैं आपको यहां पे आगे बताता हूं क्या क्या आपको पढ़ना है।
सबसे पहले बुक की बात करें तो ये आपका सिलेबस का बुक है दिगंत भाग दो, इसको आपको लाइन बाय लाइन 4 से 5 बार इस बुक को पढ़ जाना है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं से नोट्स लेना है, कुछ नहीं, आप सीधे 4 से 5 बार इस बुक को पढ़ जाइएगा। इसे देखिए कितना बेनिफिट होगा, इस बुक को पूरा पढ़ जाना है 4 से 5 बार। तो इससे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है 45 से 50, वो 45-50 सीधे यहाँ से अगर बुक आप पढ़े हैं तो आप आसानी से सब सही कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जो आपने देखा कि 100 प्रसंग व्याख्या था वो भी इसी से रहेगा, तो वो प्रश्न आसानी से अगर आप बुक पढ़े रहेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सभी यहीं से था, तो इतना आपको तमाम बेनिफिट है। तो इसलिए बुक को 4 से 5 बारी लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, क्योंकि 100 प्रसंग व्याख्या में कहीं से भी लाइन उठाकर पूछ सकता है। तो इसको पहला काम आपको करना है कि बुक को अच्छा सा कहानी, अच्छा सा कविता, जो भी चैप्टर है, जैसे गद्य खंड में 1 से लेकर 14 तक चैप्टर है, फिर आपके काव्य खंड में 1 से लेकर 13 तक, प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर है, और ये तो पूरा आपको याद होना चाहिए कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये तो पूरा आपको यहां से लेकर और यहां तक पूरा याद रहना चाहिए लेखक का नाम, क्योंकि इससे काफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे सीधे पूछ जाते हैं और उसके साथ साथ प्रसंग व्याख्या में भी एक का आपको काम आएगा, ठीक। तो पहला काम आपको ये करना है, बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये बुक आपको बार बार 4 से 5 बार पढ़ जाना है। उसके साथ साथ अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसको उससे भी आप हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि आप जो पढ़े उससे किस रूप में प्रश्न आ रहा है, क्या उस प्रश्न को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस बस बुक में ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब आप अब एक और खंड बचा है हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण का कोई भी बुक होगा आपके पास तो उससे उठाइएगा, और जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से इस साल प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक आपको पढ़ जाना है। जैसे संधि से प्रश्न रहेगा, समास से, मुहावरा से, पदबंध से, संज्ञा से, लिंग सर्वनाम से, विशेषण से, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शब्द और उसके भेद से प्रश्न रहेंगे कि कौन किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पे देखिए और कुछ टॉपिक है, उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ जाना है, वाक्य, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द का अर्थ, कारक, शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य, और उसके साथ साथ लेख, इसी हिंदी व्याकरण में आएगा तो लेख भी आपको लिखना सीख लेना है, फिर आपका संक्षेपण, फिर पत्र लेखन, ये तमाम चीज आपको हिंदी व्याकरण का, फिर से मैं टॉपिक दिखा रहा हूं, इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो हिंदी व्याकरण से कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न में जो लिखने वाला प्रश्न था उसमें जो जो टॉपिक था उसको भी आपको कवर कर लेना है। और अगर आप लोगों का डिमांड आएगा तो इस चैनल पे आपके हिंदी के सभी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गेस्ट जो सीधे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं हिंदी की तैयारी कैसे करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, आपके दिमाग में इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रश्न आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मात्र 6 टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन रहेगा, कितने नंबर पे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि सीधे सीधे प्रश्न आ जाए एग्जाम में, और व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक है आपके सिलेबस में, मैंने पूरा इस वीडियो में आपको बता दिया। अगर मान लीजिए अपने मोबाइल फोन से आप सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं 2025 के लिए जो संभावित प्रश्न है वो कैसे पढ़ेंगे, आइए मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखिएगा, 2025 के लिए आपके हिंदी की पूरी तैयारी करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR करियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह आपके सामने कुछ वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, arcareerpoint.com वेबसाइट पे तो सभी न्यूज वगैरह आपको मिलेगा, बट नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा arcareerpoint.in वेबसाइट भी एक आपके सामने शो होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल सा आपको arcareerpoint.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस रूप में वेबसाइट ओपन हो जाएगा, अगर इस तरह कुछ परमिशन मांगता है तो इसको अलाउ कर दीजिएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे हर एक तरह का अपडेट है, जैसे 9th का है, 10th का है, आप 12th के परीक्षार्थी हैं तो 12th साइंस का यहाँ पे सभी विषय का मिल जाएगा, आर्ट्स का मिल जाएगा, और सभी का हिंदी तो सेम ही है, तो आपको हिंदी जहाँ पे लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से आप देख पा रहे होंगे हिंदी, और इसके सामने जो क्लिक हियर बना है सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपके सामने हिंदी पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हिंदी दिगंत भाग दो का पूरा पाठ है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए पूरा, और यहाँ पे गदखंड का है, यहाँ पे पदखंड का है, ऊपर गदखंड का था, यहाँ पे पदखंड का पूरा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देखिए प्रतिपूर्ति का है, यहाँ पे फिर सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो जो आपको पढ़ना है, मान लीजिए सब्जेक्टिव पढ़ना है पहले चैप्टर का, तो इस पे आपने क्लिक किया,
तो आपके सामने देखिए सब्जेक्टिव पूरा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ओपन कर देगा। देख लीजिए यहाँ पे वन लाइनर भी प्रश्न है आपके अभ्यास के लिए, बड़ा बड़ा प्रश्न भी है यहाँ पे, सब पूरा आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करना है किसी भी चैप्टर का, तो हर एक चैप्टर का यहाँ पे अपडेट है, जैसे मैं आपके सामने किसी पे भी क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, तो जिस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है यहाँ से आसानी से आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव जूठन पाठ का यहाँ पे ओपन हो गया, तो इस तरह आंसर भी है ताकि आप यहाँ से आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हर एक चैप्टर का 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपडेट किया जा रहा है। तो हिंदी में जब भी आपको समय मिले आप arcareerpoint.in वेबसाइट पे आके और यहाँ पे आसानी से आप अपना और आसानी से अपने पूरे हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आप रिवीजन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, किस रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस है, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप समझे हैं। बाकी आप नए नए गेस्ट प्रश्न का अभ्यास करना चाहते हैं तो arcareerpoint.in वेबसाइट पे अभी आपको पढ़ने का मन करे तो यहां से आकर अपना पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की भी तैयारी कर सकते हैं। किसी विषय की ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।